धनतेरस आपको मेरे और मेरे पूरे फैमिली की तरफ से ऐसे ही हमेशा खुश रहिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए, ठीक है? तो अभी है ना, मैंने ये न्यू वाला सूट पहना है जो मम्मी ने ना सिलवाया था, बताओ कैसे लग रहा है। और मुझे पता है, मुझे है ना मम्मी ने काम दिया है, एक ये जो शुभ लाभ है ना, ये मुझे नीचे हमारे मेन डोर पे चिपकाना है, और ये जो महालक्ष्मियों के छापे है ना पैरों के, ये भी मुझे चिपकाना है। तो चलो सबसे पहले हमें ना ये काम कर लेते हैं। चलो मैं फटाफट चिपका देती हूँ, फिर दिखाती हूँ कैसे लगता है। बताओ आप सब लोग। और ये जो पैर के छापा है ना, ये भी लगा दिया। तो आज बन रहा है पापा का और मेरा फेवरेट नाश्ता, यानी कि साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट। रुको मैं आपको दिखाती हूँ आज क्या क्या बन रहा है। ये देखो, हमारे ना खाना बनाने वाले मावशी ने इडली बनाई है, और इधर के साइड सांभर बन रहा है। और देखा आप सबने, इडली के साथ साथ डोसा भी बन रहा है। यार डोसा तो मेरा फेवरेट है, किस किस का फेवरेट है बताओ कमेंट्स में। अभी है ना जल्दी से ये सब साउथ इंडियन नाश्ता है ना पापा को देके आता है। पापा देखो आज क्या बनाए। मैं दिवाली के दिन लेट उठने वालों से बात नहीं करता। मैं लेट नहीं उठी, आप बिल्कुल भी लेट नहीं उठी। मैं बताओ कैसा बना है, अच्छा है ना? बताओ ना सबको, मैं लेट नहीं उठी। आज उठ के 5 बजे नहाने का रहता। कितने बजे नहाए तुम? 5 बजे उठ के नहाने। 5 बजे उठ के नहाने का रहता, नर्क चतुर्थी है। तो मैं नर्क में जाऊंगी पापा। हाँ, जो अगर सनराइज से पहले नहीं नहाता नर्क चतुर्थी के दिन, वो नर्क में जाता। तो आज वो उठना लगा के नहाना रहता है सुबह 5 बजे, तो हम 5 बजे नहीं उठे। तो अभी नहा लेंगे, उसमें क्या है। चीकू तू भी तो नहीं नहाया, आज उठना लगा के नहाने का रहता। अरे दीदी आज नहीं, कल दिवाली के दिन ऐसे उठ के सवेरे नहाने का रहता। पापा आपको भी तो उठना लगा के नहाना होगा ना। अभी मैं नहा लिया सवेरे। तो आपने उठना कहाँ लगाया, अभी फिर से नहा लो नाश्ता होने के बाद। मेरे को है ना नानी घाट से उठना लगा के नहाना पड़ेगा। मम्मी पापा बोल रहे कि आज है ना सुबह 5 बजे उठ के नहाने का रहता है, अगर नहीं नहाए तो हम नरक में जाएंगे। हाँ ऐसे होता है सच में। हाँ। तो मैं कहाँ नहाई हूँ, आप दोनों तो नहा लिए। कुछ नहीं होता, बच्चों को चलता है। हाँ फिर ठीक है ना जी। मैं बताता हूँ इडली कैसे खाने की। पहले इडली खाने की, उसके बाद सांभर पी लेने का, फिर पेट में इडली सांभर बन जाता। चलो मैं भी है ना जल्दी जल्दी नाश्ता कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में नहा के हमको मार्केट जाना है, सबके लिए दिवाली गिफ्ट लेने है ना मम्मी। हाँ। तो मेरा नाश्ता हो गया, और अभी अभी है ना एक पार्सल आया, मम्मी ने ना उनके लिए एक ड्रेस मंगाया। चलो इसको अनबॉक्स करके देखते हैं इसमें कौन सा वाला ड्रेस है। वाओ कलर कितना अच्छा है, ये रॉयल ब्लू कलर है। और ये देखो ये ड्रेस की डिजाइन कितनी अच्छी है, इसको फटाफट से मैं अनबॉक्स करती हूँ। वाओ ये देखो, ये रहा मम्मी का दिवाली वाला ड्रेस। मतलब मम्मी है ना दिवाली पे नहीं पहनने वाली है, दिवाली के एक दिन पहले पहनने वाली है। और ये रही इसकी पैंट, इसका दुपट्टा भी बहुत अच्छा है, डिजाइनर दुपट्टा। ये देखो अच्छा है ना, बताओ बताओ आप सब लोग बताओ ये कलर कैसे लगेगा मम्मी के ऊपर, अच्छा लगेगा ना। कृष्ण का कान है ना इतना सूख गया, पता है इतना सूख गया, अभी है ना मम्मी उसके कान में तेल डालने वाली है। चल लेट जल्दी जल्दी चल, सबके कान में तेल डालूंगी। मेरे छोड़ के मेरे भी जाओ, और तुम तुम्हारे अपने कान में भी डाल दो, क्योंकि तुमको कम सुने आ रहा आजकल। मैं नहीं मानता, तू रहे कम सुन रहा ना तू आजकल, चल तेल डाल। आप बहुत बहुत कम सुन रहे, ठीक है। कितना पिया तेल तेरे कान ने, ये क्या था मम्मी। मतलब इतने दिन से उसका कान दर्दते रहे ना, हम कब से बोल रहे थे कि कान में तेल डाल ले तेल डाल ले, लेकिन सुन ही नहीं रहा था। आज पापा इसलिए सुन रहा है। चल चिकू तेरी बारी, चल चलो चिकू की। अरे तेल गिरेगा। चलो अभी ची की बारी, ची के कान में तेल डालेंगे, आ जाओ। चलो 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 मुंडी में पकड़ती हूँ। ची क्या होने वाला है, ची को पता है। ए, ये किसने
गया हो गया हो गया हो गया हो गया। कैसी लगी आगे स्वाद? क्योंकि हमें जाना है मार्केट। हे मुझे बताओ मेरा ये न्यू टॉप कैसे लग रहा है? ये है ना मैंने H&M से लिया था, तो मैं रेडी हो गई हूँ। अभी हम लोग तुरंत निकलते हैं मार्केट के लिए। चलो गाइस मैं अकेले ही जा रही हूँ गाड़ी लेकर। चल यार ऐसे कभी हो सकता है क्या कि मैं अकेले गाड़ी चला के लेके जाऊँ? नहीं नहीं मामा चल रहा है हमको मार्केट छोड़ने के लिए। मैं बस है ना गाड़ी चालू कर रही हूँ गाड़ी ठंडी करने के लिए क्योंकि बहुत गर्म हो गई है। वैसे मुझे भी है ना कार चलाना आती है लेकिन पापा मुझे चलाने ही नहीं देते। ये देखो ये आ गई हमारी प्यारी मम्मी। आज मम्मी ने पर्पल कलर का सूट पहना है। तो आपने कुछ सोचा है क्या दिवाली गिफ्ट देना है सबको? अभी तक नहीं सोचा, वही जाके देखेंगे। ठीक है वो भी एक बात है, अभी हमने कुछ भी डिसाइड नहीं किया है, वहाँ जाके ही देखते हैं हमको कुछ अच्छा लगता है तो। लोग मार्केट में और हम भी है ना इतनी धूप में आए, बहुत धूप है और बहुत भीड़ भी है। चलो तो हम लोग है ना सुपर डुपर कंफ्यूज है कि हमको है ना दिवाली गिफ्ट क्या लेना चाहिए। मम्मी सोचो कुछ सोचो। सोच ही रही हूँ इतनी देर से। तो हमको है ना फैमिलीज एंड फ्रेंड्स के लिए दिवाली गिफ्ट लेना है और हमने अभी तक कुछ भी नहीं सोचा कि हम उनको क्या गिफ्ट देंगे। वाओ ये ड्रेसेस देखो ना कितने अच्छे अच्छे, ये पर्पल वाला भी बहुत अच्छा है। यार पता नहीं क्यों मुझे ना पर्पल कलर बहुत अच्छा लगने लगा है। बाप रे बहुत भीड़ है यार। हाँ कितनी भीड़ है देख रहे हो पीछे। देखो अभी ना हम लोग जा रहे हैं ये साड़ी की शॉप में, यहाँ से ना साड़ियाँ लेनी है। लेट्स गो। देखो मम्मी उधर की साइड है ना साड़ियाँ देख रही है। मैं अंदर नहीं गई क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ है यार, और साड़ियों के इसमें जाके मैं क्या करूँगी। है इसे देख लो आप साड़ियाँ। तो मम्मी ने ना गिफ्ट में देने के लिए ना यहाँ से कुछ साड़ियाँ ले ली। देखो मम्मी अभी यहाँ से ना चूड़ियाँ ले रही है। दिखाओ ये मेरे ड्रेस पे मैच होगा ना, मेरे दिवाली ड्रेस पे ये चूड़ियाँ मैच होगी ना, बताओ तो। तो साड़ी भी ले ली और चूड़ियाँ भी ले ली। अब मम्मी बताएगी हमको कहाँ लेके जा रही है, बताओ। आगे चल भांडी गली में जाना है। अच्छा बर्तन लेने आपको? ओ माय गॉड मम्मी को बर्तन लेने। ये देखो ये आ गए हम भांडी गली में। मम्मी को है ना यहाँ से कुछ बर्तन वगैरह लेने। चलो अंदर चलते हैं। हमें देने के लिए कुछ ऐसे गिफ्ट लेने जो है ना सबके काम में आए। मम्मी बताओ ना क्या लेना है आपको? जो पड़ोसी है ना उनके लिए गिफ्ट लेने के लिए आए यहाँ पे। अच्छा ठीक है चलेगा, देखते हैं गिफ्ट में मम्मी क्या क्या ले रही है। देखो अंकल ने ना ये एक ऑप्शन बताया कितना सही है ना। ये देखो ये वाला एक ऑप्शन अच्छा है, चार बाउल है इसमें और एक ये ट्रे है। और ये क्या है? ये भी चार बाउल है और ट्रे है। देखते हैं मम्मी को कौन सा पसंद आता है।
चार प्लेट, चार बाउल और ये ढक्कन वाला ना, ये भी एक सही है। देखो मुझे ये वाला अच्छा लग रहा था। कौन सा वाला? ये वाला। आप बताओ आपको कौन सा अच्छा लगता है। मम्मी को देना है ना गिफ्ट। सोच ही रहे हम क्या लेना चाहिए। देखो कौन सा पसंद आया। देख रहे हैं। मुझे है ना इसमें से ये वाला एक अच्छा लग रहा है। ये देखो। और नहीं तो फिर ये जो फर्स्ट हमने देखा है ना, ये वाला एक अच्छा लग रहा है। ये कप वाला, ये थोड़ा सा यूनिक है ना। इसमें चाय और इसमें नाश्ता, ऐसे। बहुत गिफ्ट देखने के बाद में फिर हमने डिसाइड किया कि हम है ना सब एक ही गिफ्ट ले लेते हैं, सबके लिए अलग अलग गिफ्ट। हाँ देखो हम ना ये दो गिफ्ट ले रहे हैं, ये दो गिफ्ट, फिर उसके बाद में ये दो गिफ्ट और ये क्या है, और ये दो गिफ्ट सबसे पहले जो हमने देखा था ये। ठीक है, समझ गए आप सब लोग। देखो ये पानी पीने वाला है ना, कांच का जग भी हम लेने वाले हैं। कितना सही है ना। मैंने ना तारक मेहता का उल्टा चश्मा में देखा था, वो सब है ना ये ऐसे कांच के जग में से पानी निकाल के ग्लास में पीते हैं, तो मैं भी ऐसे ही पिया करूंगी। शरबत पानी जूस के लिए बहुत अच्छा लगे मैडम आपसे। कैसी ग्लास, बहुत अच्छा है देखो ना। जैसे ही अंकल ने कहा कि आपके टेबल पे भी बहुत अच्छा लगेगा ये जग, तब मुझे याद आया हमारे घर में तो डाइनिंग टेबल ही नहीं है। ये ले ले। ले ले। ठीक है चलेगा ये। ठीक है पहले वो बताओ। आपकी देखो ये बड़ी बात है मैडम। ये प्लेट्स और बर्तन डाइनिंग टेबल पे अच्छे लगते हैं, जो कि हमारे घर में है ही नहीं। और ये नाश्ते के लिए प्लेट भी देख रही है मम्मी। यूज पर नहीं, हम यूज भी नहीं करते ऐसे पाउच, ये ऐसे वाले कहाँ यूज होता है। ये मार्केट में भीड़ ना हो इसलिए मैंने मास्क लगा लिया, बट फिर भी मुझे सब लोग पहचान लेते हैं। फिर मार्केट से हमने मिट्टी के दिए खरीदे। बैठ गए सब लोग एक ऑटो में आराम से। तो हमारी सारी शॉपिंग हो गई है, अभी हम लोग जा रहे हैं वापस घर। मतलब यहाँ से गाड़ी तक जाएंगे। देखो कितना सारा सामान ले लिया, पूरा ऑटो फुल हो गया। देखो यार दिवाली के मौसम में कार कौन लेके आता है मार्केट में। तो कितना ट्रैफिक है ऑलरेडी अंकल, देखो इन्होंने ऑलरेडी इतना ट्रैफिक कर दिया। बोलो लर्नर है वो, लर्नर है मम्मी। ये रिक्शा वाले अंकल गुस्सा कर रहे थे और बोल रहे थे कि ये कार वालों के लिए ना सारे रास्ते बंद कर देने चाहिए। बट अंकल को कैसे बताओ कि हम भी कार ही यूज करते हैं। ट्रैफिक की हद नहीं हो गई क्या? देखो देखो जरा झगड़े होने वाले शायद ही ट्रैफिक में किसी ना किसी के। ये देखो ये आ गया हमारा मामा। लाओ सब सामान गाड़ी में रखते, ये आराम से लेना, इसमें कांच का है। कांच की चीजें अच्छे से रखनी है बस। और लेके आओ अंकल, इधर इधर यहाँ पे रख दो। चलो चलते हैं घर पर। मम्मी आओ, मैंने स्पेशली आपके लिए डोर खोल के रखा है। आओ बैठो। ऐसा है ना, स्पेशल ट्रीट करना चाहिए मम्मी को। मम्मी भी खुश, हम भी खुश। मैं जस्ट बैठी थी तो मेरा है ना नायका से एक पार्सल आ गया, और ये एक अर्बैनिक से पार्सल आ गया। चलो इसको अनबॉक्स करते हैं। सबसे पहले नायका वाला करेंगे, इसमें कुछ मेकअप की चीज होगी। और हमारी मियाँ को देखो कैसे सो रही है वो। हाँ कुछ काम नहीं है मियाँ को, दिन भर सोती रहती है वो। क्या है इसमें? रुको रुको अनबॉक्स करने दो मेरे को, कुछ अच्छा ही है इसमें। नायका मतलब यार मेकअप की चीज होती है ऑफ कोर्स। देखा मैंने बोला था ना नायका मतलब मेकअप की चीज होती है। ये लिप क्रीम है, ये लिप ग्लॉस है, और ये क्या है, लिपस्टिक सही है सारी। रुको मैं शेड्स देखती हूँ इनके यहाँ कौन कौन सी है। वाओ ये देखो ना ये कलर कितना सुंदर है। ये देखो मैं हाथ पे लगा के दिखाती हूँ, है ना कितना ब्राइट और मस्त कलर है इसका। और भी है, चार लिपस्टिक है ऐसे। ये लिक्विड लिपस्टिक है, और ये देखो ये एक मरून लिपस्टिक है। ये ऐसे डार्क कलर है ना, मैं ज्यादा नहीं लगाती, तो ये मम्मी के लिए ये, और ये है फेस रेजर। अब मैं इनको वापस इसमें रख लेती हूँ, लेकिन पहले ये अर्बैनिक का पार्सल अनबॉक्स करते हैं। ओके क्या मंगाया मम्मी ने? ये क्या मंगाया आपने मम्मी? कार्गो पैंट है। ओह
यार मैंने स्मॉल साइज मंगवाई थी। ये आपकी साइज का है, आप भी पहनो इसको, ये मम्मी के ऊपर सूट करेगा कार्गो पैंट। चलो ठीक है, अभी मैं ना रेडी हो जाती हूँ क्योंकि मुझे है ना दिए लगाने हैं। तो मैं आ गई मेरे सब्सक्राइबर से मिलके मम्मी, अभी मुझे दिया बत्ती करनी है, बताओ मैं कौन सा ड्रेस पहनूं? ये वाला न्यू ड्रेस पहन के कर ले। कौन सा वाला? पर्पल वाला? हाँ पर्पल वाला। चलो ठीक है चलेगा, आज भी मैं यही ड्रेस पहनती हूँ और कल मॉर्निंग में भी यही ड्रेस पहनूंगी। बहुत सही है ये। ये है हमारा प्यारा सा टिपिकल मंदिर जो सबके घरों में होता है। चलो सबसे पहले मेन गेट पे लगा देते दिए। देखो पहला दिया मैंने रख दिया है तुलसी माता, अभी दूसरा दिया मैं रखूंगी यहाँ पे गेट के पास, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अभी बाकी के दो दिए है ना यहाँ पे हमारे मेन डोर पे लगाएंगे, ठीक है? ए नो नो नो, ये थे हमारी दिवाली की शुरुआत एंड दिवाली का पहला वाला दिन। अब कल है दिवाली और हमारे घर होगा दिवाली का ग्रैंड सेलिब्रेशन, वो भी ढेर सारे पटाखों और धमाकों के साथ। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।